मुरादाबाद में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मुरादाबाद में एक घटना सामने आई है जहां पे मझौला थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार इलाके में सुबह सुबह क्राइम को अंजाम दिया गया है, घटना के को अंजाम दिया गया है, जिसमें अश्विनी नाम के शख्स को गोली मार दी गई है। दरअसल अश्विनी सुबह मॉर्निंग वॉक को निकला था और उसी दरमियान वहां पर आकर अश्विनी को किसी ने गोली मार दी। अब ये शक जताया जा रहा है कि ये पूरा मामला दरअसल आपसी रंजिश का है और आपसी रंजिश की वजह से ही अश्विनी को गोली मारी गई है। हालांकि बुद्ध विहार इलाके में अश्विनी थोड़ी दिन पहले ही आके रहना शुरू हुआ था, किराए का मकान लिया है और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहां पर वो रह रहा था। लेकिन सुबह सुबह हुई इस घटना के बाद अब उस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम की जाँच में जुटी है। कितने बजे की घर? 5 बजे के करीब घर से घूमने निकले थे। 150 कदम की दूरी पे इनको किसी ने गोली मार दी। कैसे पता चला आपको? इनकी पत्नी आई थी घर पे जी। इनकी पत्नी के आने पर मैं इनको लेकर के अस्पताल आया हूँ, अपेक्स गाड़ी से डाल करके। इनकी रंजिश चल रही है पहले से। ये थाना मझौला क्षेत्र अंतर्गत बुद्ध विहार में अश्विनी कुमार को गोली लगने की सूचना सुबह पुलिस को सौंपी थी। ये घटना लगभग सुबह 5 बजे की है। अपने घर के पास ये जो कहने के लिए निकले थे तो कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनको गोली मारी गई। ये इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ इनका इलाज चल रहा है। परिवार वालों ने कुछ अपने संबंधियों पर शक जताया है। तहरीर इसमें अभी ली जा रही है, मुकदमा पंजीकृत करके इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।